क्या आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र स्टार्ट करते ही कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिक लोड हो जाए? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने गूगल क्रोम स्टार्ट किया और ऑटोमेटिक वेबसाइट लोड हो चुकी है। और क्या आपको पता है कि जीमेल में अगर आप साइन इन करते हो गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और राइट साइड में सेव और नेवर सेव इस तरह का एक जो डायलॉग बॉक्स आता है, अगर आप पासवर्ड वहाँ पर सेव करते हो तो वो रिमूव कैसे करना है ये आपको पता नहीं है? तो आज का वीडियो आपके लिए गूगल क्रोम्स के टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो, कंप्यूटर स्टूडेंट हो, या फिर कंप्यूटर में कुछ भी सीखना पसंद करते हो, तो आपको गूगल क्रोम की ये टिप्स ज़रूर पता होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होते ही आपको कुछ रेगुलर वेब पेजेस ओपन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया। लेकिन ऐसा करना है तो आपको उसके लिए करना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेबसाइट्स आपको रेगुलरली ओपन होनी चाहिए, विजिट करनी है, उसको आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में सेट करना होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड में, राइट कॉर्नर में यहाँ पे तीन डॉट दिखाई दे रहे, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले आपको सेटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन स्टार्टअप ओपन द न्यू टैब पेज, यहाँ पे लिख के आ रहा है, उस पर ऑलरेडी चेक है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यू वेयर यू लैपटॉप, मतलब अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं अचानक, तो अगर दोबारा स्टार्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पुरानी जो वेबसाइट थे जहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को क्लोज कर दिया था, वहाँ से कंटिन्यू चालू हो जाएगा। कंटिन्यू वेर यू लैपटॉप, जैसे आपने क्रोम क्लोज कर दिया वहाँ से कंटिन्यू चालू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसका नाम है ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट अ पेजेस ऑफ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें आपको ऐड न्यू ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, और इस ऐड न्यू में आपको आपके वेबसाइट के जो भी वेबसाइट आपको विजिट करने है उसके URL डालने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, learnmoreindia.in, और यहाँ पे इसको एड्रेस बार में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है URL, मैं इसे कॉपी करूँगा। मैं आपको यहाँ पे एड्रेस बार दिखा रहा हूँ, एड्रेस बार आप देख सकते हैं, और इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी प्रेस करके। अब मैंने कॉपी किया, सेटिंग्स में जाऊँगा, ऐड न्यू पेज जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया आपने, सिंपल है, ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र आप क्लोज कीजिए, चलिए देखते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र दोबारा ओपन करता हूँ। हालाँकि मैंने अभी यहाँ पे एक ही वेबसाइट ऐड किया, तो वही लोड होने वाला है। अगर आप ऐसे बहुत सारे वेबसाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो लोड होती जाएगी, अलग अलग टैब में ओपन होगी। आप जितनी चाहिए उतनी ऐड कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। जैसे मैंने लर्न मोर India.in ये वेबसाइट ऐड कर दी, ये मेरी वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले, एक्सेल, टैली वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आपके पास टाइम है और कंप्यूटर में स्मार्ट बनना है तो ऐसा कुछ चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये सिंपल समझ में आया होगा। और यूज़ करंट पेजेस भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो करंट विजिटेड वेब पेजेस है वो भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे एक एक करके यहाँ पे ब्राउज़र में। फिलहाल आपको ये करना है नहीं करना है आप देखिए। अब सेकेंड टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये थी पहली टिप्स जो कि गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही डायरेक्टली पेजेस कैसे ओपन होंगे। अब सेकेंड टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे आप साइन इन करते हो कोई भी आईडी पे, चलिए मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, जीमेल के अंदर साइन इन कर देता हूँ। तो जीमेल के अंदर यहाँ पे जो आईडी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई भी एक आईडी मैं ले लेता हूँ, ये आईडी मैं ले रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करके ये कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पासवर्ड टाइप किया, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद राइट कॉर्नर में आप एक डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे अभी सेव कर रहा हूँ। नेवर करेंगे तो ये कभी सेव नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल सेव कर रहा हूँ क्योंकि इसका पासवर्ड मुझे सेव करना है। सेव करने के बाद आप मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारी बार हम लोग सेव कर देते हैं पासवर्ड को, तो मैनेज कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, या फिर जो भी है आपने अगर सेव रखा तो जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। सपोज मैंने साइन आउट कर लिया दोबारा, क्योंकि अगर वो आईडी आप सिलेक्ट करके लॉग इन करने चाहते हो दोबारा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड
टाइप मिलेगा और कोई भी इसे शो कर सकता है, देख सकता है आपके पासवर्ड को। दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड तो नहीं दिखाऊंगा फिलहाल आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपके पासवर्ड को देख सकता है अगर आपके लैपटॉप पे कोई और बैठ रहा है तो। नहीं बैठ रहा है अगर आप खुद ही यूज़ करते हो तो आप इस तरह से सेव रख सकते हैं पासवर्ड को, ये आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अब अगर आपको सेव नहीं रखना है ये, तो यहाँ पे जाना है तीन डॉट के अंदर। अगर गलती से आपने सेव कर दिया है तो यहाँ पे चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है पासवर्ड पे क्लिक। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, जैसे कि ये जीमेल अकाउंट का भी पासवर्ड यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पासवर्ड, यहाँ पे जितने भी मैंने आईडी यूज़ किए सबके पासवर्ड मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन बस ये क्राइटेरिया है कि अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हो, सपोज मुझे ये इंपॉर्टेंट इतना आईडी है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आईडी है लॉगिन का, इसका पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शो पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। शो पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने शो पासवर्ड के बाद। तो इसमें क्या करना है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मेरा लैपटॉप का लॉग इन पासवर्ड डालूंगा। कंप्यूटर का जो लॉग इन पासवर्ड रहता है स्टार्टिंग करते समय आता है, वही टाइप करना है, ओके करना है और आप यहाँ पे पासवर्ड आसानी से देख सकते हैं। ऐसा कोई भी आपका पासवर्ड देख सकता है जिसको ऑलरेडी कंप्यूटर लॉगिन का पासवर्ड पता है। वैसे आपको ही पता है तो आपके सिवा कोई देख नहीं सकता, इतना तो सिंपल है। लेकिन आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि ये सेव रखना नहीं है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए राइट साइड में और रिमूव बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप। रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं सेव नहीं रहेगा, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। अगर आपने गलती से सेव कर दिया है, आपको ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि भाई गूगल क्रोम में से ये पासवर्ड आप यहाँ से रिमूव कीजिए। अगर आपने वहाँ पे नेवर क्लिक किया होता तो यहाँ पे नेवर सेव में आपका यहाँ पे आ जाता वो जीमेल आईडी, और कभी भी आपको नहीं पूछता दोबारा सेव करने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर आप नेवर करते तो वो दोबारा आपको पूछेगा नहीं। तो ये सेकेंड सेटिंग्स है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका पासवर्ड गलती से सेव हो गया तो रिमूव कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता था, आपने पहली बार सीखा हो, तो इसके लिए एक लाइक तो कर दो दोस्तों यार, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। क्रोम के तीसरे टिप्स की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे टिप्स में मैं ये बताता हूँ आपको कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे नया टैब ले रहा हूँ और उसमें मुझे इसमें से मेरा चैनल विजिट करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐड करके रखा है लिंक। तो ये लिंक कैसे ऐड किया है, इसको बोलते हैं बुकमार्क। आपको जो रेगुलर वेबसाइट विजिट करने हैं और आपका टाइम सेव करना है, तो आप बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। बुकमार्क में ऐड करने के लिए सिंपली करना क्या है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक आप बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं नॉर्मली यहाँ पे गूगल वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ और गूगल वेबसाइट का लिंक मुझे यहाँ पे ऐड करना है, बार बार गूगल विजिट करना है। गूगल तो वैसे आता है लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ google.com। तो मैं करूँगा क्या, यही बुकमार्क पे राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड पेज ऑप्शन आ रहा है, ऐड पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ऐड पेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे गूगल वगैरह जो भी नाम देना है दीजिए और सेव कीजिए। यहाँ पे लिंक ऐड होगा, जो भी वेबसाइट आप विजिट करोगे इस तरह से बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बुकमार्क टूलबार आएगा कहाँ से, अगर नहीं है तो यहाँ पे राइट साइड में तीन डॉट जो दिखाई दे रहे उस पर क्लिक कीजिए। तो बुकमार्क्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो बुकमार्क्स बार, इसमें क्लिक करने के बाद ये बुकमार्क्स बार दिखाई देगा, ये टिक नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये बुकमार्क्स बार हाइड हो जाएगा। मैं अगर इसमें से ये पेजेस मैनेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पेज मैं डिलीट भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, आप देख सकते हैं राइट क्लिक डिलीट वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पे है। तो इस तरह से बुकमार्क्स को यूज़ करके आप अपना काम और फास्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से ये नहीं यूज़ कर रहे तो आज से यूज़ करना चालू कीजिए। अब बढ़ते चौथे ट्रिक्स की ओर, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं और वो हिस्ट्री सेव हो जाता है, मतलब आपको पता रहेगा, शायद आपको नहीं पता रहेगा हिस्ट्री सेव होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल एच बटन अगर आप प्रेस करते हो तो हिस्ट्री आपको दिखाई देती है। तो आप नहीं चाहते हैं कि ये हिस्ट्री किसी को दिखाई दे, तो इसे आप क्लियर कर सकते हैं। रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक करके करना है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। बहुत सारे लोग इसे जानते हैं और यूज़ भी करते होंगे, क्लियर ब्राउजिंग डेटा कैसे करना है वगैरह। हिस्ट्री इस तरह से क्लियर किया जाता है, अगर आप अपने जो विजिटेड पेजेस है किसी को नहीं दिखाना चाहते तो ये ज़रूर आप करेंगे, इसका यूज़ करके देख लीजिए। अगर नहीं करते तो शायद मुझे लगा, इसलिए आपके साथ ये टिप्स मैंने शेयर की। अब आखिरी टिप्स की ओर बढ़ते हैं, जो है टिप्स नंबर 5 दोस्तों। अब गूगल क्रोम ब्राउजर में आप जो भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, क्या आपको पता है गूगल उसे ट्रैक करता है, तो आप चाहते हैं कि वो जो ट्रैक गूगल कर रहा है वो नहीं हो, इसके लिए आप गूगल का इनकोग्निटो मोड यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इनकोग्निटो मोड के लिए यहाँ पे जाना है और न्यू इनकोग्निटो मोड, उसकी शॉर्टकट की भी दी है। न्यू इनकोग्निटो मोड लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनकोग्निटो मोड ओपन किया, इसमें जो भी मैं सर्च करूँगा गूगल के अंदर वगैरह, ये सब गूगल ट्रैक नहीं करेगा, ये कहीं पर भी सेव नहीं होगा, ना ही हिस्ट्री इसकी स्टोर होगी। यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं, योर ब्राउजिंग डेटा, कुकीज़ एंड साइट इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो ये इंकोग्निटो मोड इसलिए बनाए ताकि आप जो भी सर्च करोगे वो प्राइवेट रहेगा दोस्तों। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो गूगल को पता चलता है कि आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो दोस्तों। तो इसके बारे में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ कि गूगल आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैक कैसे करता है। ज़रूर बने रहिए इस चैनल के साथ। ये थे गूगल क्रोम के 5 टिप्स जिसमें मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम ब्राउज़र किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये शायद आपको पता नहीं होंगे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल पे कंप्यूटर टिप्स और मोबाइल टिप्स के बहुत सारे वीडियोज़ है, वो भी देखना पसंद करेंगे आप। लर्न मोर चैनल पर भी विजिट कीजिए जो कि मेरा दूसरा चैनल है जिसमें आपको ढेर सारे एक्सेल सॉफ्टवेयर टिप्स, टैली सॉफ्टवेयर टिप्स मिलने वाली है। ज़रूर विजिट करके एक बार देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।